नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कनौजिया और आप सभी का स्वागत है एक्सट्रीम टेक्निका। आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन कंपनी जिसने सदियों से लोगों के बीच अपनी पकड़ बनाकर रखी है। जो कंपनी जानी जाती है अपने काम और क्वालिटी के नाते, जो अपने काम और क्वालिटी से पूरी दुनिया भर में मशहूर है, और उस कंपनी का नाम है सोनी। जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले सोनी ने सोनी एक्सपीरिया 10 लॉन्च किया था, और इसी सिलसिले में सोनी एक और फोन लॉन्च करने जा रही है जिसका नाम है सोनी एक्सपीरिया 10 III लाइट, जो कि 27 अगस्त को लॉन्च होने वाली है। तो आज की वीडियो में इसी स्मार्टफोन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो की। बात की जाए इसके डिस्प्ले फीचर्स की, तो इसमें आपको 6 इंच का फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले मिल जाएगा, जो कि काफ़ी सराहनीय, और सोनी जो है वो क्वालिटी के लिए ही जानी जाती है और अच्छे फीचर्स के लिए ही जानी जाती है। अगर बात की जाए सोनी कंपनी की, तो सोनी के जो अधिकतर स्मार्टफोन बनाती है वो सारे के सारे प्रीमियम फीचर्स के साथ ही आते हैं। अगर बात की जाए इसकी डिस्प्ले की, तो आपको इसमें 6 इंच का फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको इसमें HDR का भी सपोर्ट मिल जाएगा। अगर दोस्तों देखा जाए जो सोनी कंपनी है वो अपनी क्वालिटी के लिए ही जानी जाती है, और जो भी इसके स्मार्टफोन होते हैं वो सारे के सारे प्रीमियम स्मार्टफोन होते हैं, जो कि एप्पल को अच्छा खासा टक्कर देने के लिए ही जानी जाती है। तो इसीलिए सोनी ने इसमें OLED डिस्प्ले का इस्तेमाल किया, जो कि रिजोल्यूशन वाइज काफ़ी अच्छा आता है, जिसमें व्यूइंग एक्सपीरियंस यूजर को काफ़ी अच्छा मिलता है, साथ ही साथ गेमिंग एक्सपीरियंस भी आपको इसमें अच्छा मिलता है। तो इस लिहाज से सोनी ने काफ़ी इन्वेस्ट किया है इस फोन में। अगर बात की जाए इसके कैमरा सेटअप की, तो आपको इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपको इसमें 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, और साथ ही साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर का कैमरा आपको मिल जाएगा, और सर जो सेल्फी कैमरा है वो है आपका 8 मेगापिक्सल। अब आते हैं इसके अगले फीचर्स, यानी कि बैटरी परफॉर्मेंस। इसमें आपको 45,000 mAh का आपको इसमें बैटरी सपोर्ट मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको 30 W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा, और ये IP68 सर्टिफिकेशन के साथ आता है, जो आपके फ़ोन को धूल और वाटर से बचाता है। बात की जाए इसके सबसे मेन कंपोनेंट यानी कि प्रोसेसर की, इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 690 का प्रोसेसर मिल जाएगा, जो कि SoC रैंकिंग में ये 49th रैंक पर आता है। अब एक नज़र डाल लेते हैं इसके स्टोरेज पे। इसमें 6 GB का आपको रैम मिल जाएगा, प्लस 64 GB आपको इसमें स्टोरेज मिल जाएगा। बात कर लेते हैं इसके प्राइस सेगमेंट की। जैसे कि दोस्तों अभी ये फ़ोन भारत में लॉन्च नहीं हुआ है, सबसे पहले ये फ़ोन जापान में 27 अगस्त को लॉन्च होगा। जो जापान में इसकी जो कीमत रखी है वो है 46,800 JPY। अब देखते हैं कि ये फ़ोन लॉन्च इंडिया में लॉन्च होने के बाद कितने रुपीज़ में ये मिलता है। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा रिव्यू। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।